नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कॉन्सेंट हैबिटेट 102 अपकमिंग न्यू अफोर्डेबल प्रोजेक्ट के बारे में। इसका भी कोई आइडिया नहीं है कि ये कब लॉन्च होने जा रहा है। अभी टाइम लगेगा क्योंकि अभी रेरा नहीं आया है इसका प्रोजेक्ट का, और अभी कुछ लाइसेंस अभी बाकी है इसके लेने, ना कोई लेआउट है ना कुछ है। मैं सिर्फ आज इस वीडियो में आपको कुछ मोटी मोटी जानकारी दूंगा इस प्रोजेक्ट के बारे में, और आपको एक बार साइट भी दिखाऊंगा जो कि डिजिटल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आसपास क्या है, कहां से ये साइट बनेगी और इसका क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है। आज इस वीडियो के अंदर प्रॉपर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले ये है कि अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू अपडेट वीडियो आप मिस ना कर दो, क्योंकि हम यहाँ पे हर प्रोजेक्ट की अपडेट कंस्ट्रक्शन और वो डालते रहते हैं जैसे जैसे टाइम मिलता रहता है। तो जैसे ही इस प्रोजेक्ट की एक्चुअल वीडियो आएगी, हम एक्चुअल वीडियो आपको बना के डालेंगे, और साथ में आपको जैसे ही लेआउट की कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी आपको लेआउट भी हम यहाँ पे समझाएंगे। तो उसके लिए आपको इस चैनल के ऊपर बने रहना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये चीजें दिखाऊंगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या है, कितने टावर है, कब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होनी है इसकी, वो सब चीजें अपडेट हो चुकी है, और कितने एकड़ के अंदर क्या चीजें बननी है ये भी मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो अगर आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप उस पर क्लिक करके भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको आप लेते रहें और आपको टाइम पे मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इसकी इन्फॉर्मेशन क्या है। दोस्तों, ये टोटल जो प्रोजेक्ट है वो है 9.36 एकड़ का, और इसमें जो जो एरिया है, मतलब जो लैंड एरिया टू बी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अपार्टमेंट, जिसकी जो अपार्टमेंट की कंस्ट्रक्शन होनी वो कितने एकड़ में होगी, वो 1.67 एकड़ के अंदर होनी है। कंस्ट्रक्शन रोड होंगे वो 1.8111 एकड़ के अंदर ये बनेंगे। उसके बाद पार्क एंड प्ले ग्राउंड बनेंगे 1.56 एकड़ के अंदर। उसके बाद व्हीकल पार्किंग के लिए है 3.58 एकड़, और इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन के लिए है 0.047 एकड़। उसके बाद आपका आता है एरिया टू बी लिफ्ट फॉर द गवर्नमेंट फॉर द कम्युनिटी सर्विसेज, मतलब जो वो रहेगी आपकी जीरो, एनी अदर्स के लिए रहेगा 0.63। तो ये टोटल जो एकड़ है वो 9.3625 टोटल एरिया के अंदर बनेंगे। तो ये मोटी मोटी मैं थोड़ी जल्दबाजी में आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आपके मोटी मोटी सारी चीजें आपको समझा भी देता हूँ। इसका जो अप्रूवल हुआ है वो हुआ है 15/11/2021 को, और इसकी जो लिंक है, जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होनी है वो होगी 25/4/2022 से इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी। मे बी ये प्रोजेक्ट नए साल के ऊपर आने वाला है, और जो कंप्लीट होगा ये प्रोजेक्ट वो होगा 24/7/2026 को एज रेरा, जो ये डेट रेरा के अंदर है, तो रेरा के अनुसार ये डेट होगी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की और ये डेट होगी आपकी पजेशन की। तो टोटल देखा जाए तो टावर 10 हैं और टोटल फ्लैट हैं 1341 फ्लैट इसके अंदर आएंगे। कमर्शियल आएंगे 87 और नंबर ऑफ टावर, मतलब एक ही टावर के अंदर होते हैं कमर्शियल। तो ये थी इसकी मोटी मोटी जानकारी। अब हम बात करते हैं डिजिटल तरीके से इसकी एक्चुअल जो साइट है कि क्या है आसपास, कहां पे ये साइट पड़ती है। तो वीडियो में पूरा देखें, अंत तक बने रहे। तो अब बात करते हैं हम एक्चुअल साइट की। तो सबसे पहले जो आप ये रेड कलर में मार्क देख रहे हैं, ये सेक्टर 102 आता है, और ये 102 के अंदर आपको जो अपार्टमेंट है अफोर्डेबल के और लग्जरी, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये है द्वारका एक्सप्रेसवे बिल्कुल साथ लगता हुआ, और ये है अपर द्वारका एक्सप्रेसवे रोड। ये हम चले जाते हैं झज्जर बादली की तरफ जाते हैं, धनकोट होते हुए हम चले जाते हैं बादली या झज्जर या फरूखनगर, अगर आपको जाना है। इधर हम चले जाते हैं बसई के फ्लाईओवर से होते हुए ओल्ड गुड़गांव सेक्टर 10 आपका, बसई ओल्ड गुड़गांव या होंडा चौक जाना है तो वो ये वाला रोड है। और अगर आपको NH8 की तरफ जाना है तो आपको इधर जाएंगे, दिल्ली जाना है तो आप इधर जाएंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा आपको जूम करके इसके बारे में आपको मैं बता देता हूं कि ये प्रोजेक्ट अपना है जो कहां से ये आने वाला है। ये रीदी सीधी का अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है, बिल्कुल ऑन रोड पे है, ये रेडी है। अगर कभी आप इधर गए होंगे तो ये अपार्टमेंट आपको बने हुए दिखेंगे येलो कलर टाइप में, और इसके बगल में ये ओकस मेडली है, ये कमर्शियल बिल्डिंग है यहां पे। इसी के अपोजिट साइड में आता है आपका हेरिटेज मैक्स,
जो लग्जरी अपार्टमेंट है यहाँ पे, और यहीं पे साथ में आता है सन सिटी अवेन्यू, मतलब ये भी सन सिटी का अफोर्डेबल रेडी टू मूव है। तो ये दोनों सोसाइटियां रेडी हैं, और जो कॉन्सेंट की जो लैंड है वो ये वाली लैंड है, यहां से एंट्री होगी, और ये वाली लैंड पूरी इनके बीच में लैंड है ये कॉन्सेंट की है, और कॉन्सेंट के बीच में एक सेक्टर रोड और आएगा। अब ये प्रॉपर मैप नहीं है कि कहां से निकलना है, लेकिन आना है, एक सेक्टर रोड बीच से आएगा, कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, अभी उस चीज का कोई आइडिया नहीं है। तो यहां से इसकी एंट्री होगी, ये रोड बन चुका है, ये रोड जो है ये 60 मीटर का रोड है, और यहां पे रोक दिया गया क्योंकि ये कनेक्ट हो जाएगा द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ। ये एज ए टेम्परेरी रोड है अभी, क्योंकि ये पुराना रोड हुआ करता था, तो जो मेन सेक्टर रोड है वो यहां से बनेगा, ये रोड बना हुआ है, और ये रोड डायरेक्ट इसके अपर द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट है यहां से, और ये भी प्रॉपर बना हुआ है ये रोड। तो ये लोकेशन है इसके आसपास की। तो लोकेशन अगर हम यहां पे लेते हैं तो इसमें इतना बड़ा नुकसान नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आसपास सोसाइटी बनी हुई है, और काफी सोसाइटियां आने वाले भी हैं। या इनका गुड़गांव ग्रीन है, ये भी रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है, और इसमें भी फैमिलियां शिफ्ट हो गई हैं। लेकिन जब तक ये प्रोजेक्ट रेडी होगा तो आसपास की बहुत सोसाइटियां रेडी हो जाएंगी। यहाँ पे आरओएफ का है, अल्याज है यहाँ आरओएफ का, यहाँ पे एमआर का इंपीरियल है, और तो में ही जॉय विले है गुरुग्राम, और अडानी का है, और साथ में सापुरजी पालमजी है, और आपका एमआर के भी है, कई प्रोजेक्ट हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये बीपीटीपी के फ्लोर है, प्लॉट है, तो ये सेक्टर मोस्टली डेवलपमेंट है, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस सेक्टर को डेवलपमेंट होने में, क्योंकि पहली बात तो ये साथ के साथ आपका प्रॉपर द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ रनिंग है। यहाँ पे स्कूल है अच्छे खासे, डीपीएस है, और भी कई ऐसे स्कूल्स हैं जो बच्चों के लिए जरूरी हैं, क्योंकि ज्यादातर प्रॉपर्टी जो रेंटल होती है वो स्कूल की वजह से होती है, और आसपास ऑफिस स्पेस ज्यादा हो उसकी वजह से होती है। तो ये लोकेशन प्राइम लोकेशन है, लेकिन वेट करना पड़ेगा अभी इसके अंदर 2 BHK और 3 BHK के जो अपार्टमेंट आने वाले हैं, ये प्रॉपर द्वारका एक्सप्रेस से 2023 के अराउंड ये रेडी हो जाएगा। ये पूरी डेड लैंड है, अगर आपको तो यहाँ मैं पानी का वो दिखाऊं तो यहाँ पे ट्रीटमेंट है, इसको हम डेड लैंड बोल सकते हैं, ये पूरी दलदल की लैंड है, पता नहीं यहाँ फ्यूचर में कुछ आएगा या नहीं आएगा, अभी कोई आइडिया नहीं है। तो यहीं से पानी सप्लाई होता है पूरे गुड़गांव के अंदर, और यहीं से आपकी रेलवे लाइन है, और ये फिर और गुड़गांव आ गया। तो आसपास सेक्टर हैं सारे के सारे डेवलपमेंट सेक्टर हैं, तो लोकेशन आपको मोटा मोटा आइडिया हो ही गया होगा कि लोकेशन कहाँ पे है। तो ये लोकेशन है सन सिटी और हेरिटेज मैक्स के बीच में, ये लोकेशन पड़ती है, और 60 मीटर रोड पे ये प्रोजेक्ट आएगा, इसके बीच से एक सेक्टर रोड और निकलना है, पीछे बीपीटीपी लगता हुआ है, तो लोकेशन अच्छी है। तो दोस्तों ये थी वीडियो, इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हम शायद इसकी एक्चुअल बनाएंगे, तो आपको आसपास कैसा माहौल है वो भी आपको प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल शुरुआत को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले अपडेट वीडियो आपको हम यहाँ पे देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नए प्रोजेक्ट, धन्यवाद।